नमस्कार दोस्तों, बिग बुल मार्केटिंग में आपका स्वागत है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ARC फाइनेंस के बारे में, क्या आपको शेयर में निवेश करना चाहिए नहीं, हम आपके लिए गाइस बिल्कुल क्लियर कर देंगे। सो गाइस, पहले कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात की जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है गाइस। कंपनी का स्टॉक ASM की रेड फ्लैग लिस्ट में गाइस और ओवरबॉट जोन में है गाइस। कंपनी के एनुअल ग्रोथ रेट, प्रॉफिट जनरेशन, रेवेन्यू ग्रोथ रेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम फ्लो स्टेटमेंट सारी की सारी नेगेटिव में गाइस। और गाइस, हमने आपको पहले ही कह दिया था कि अगर आप इस शेयर में पोजीशंस बना के बैठे तो बड़ा सतर्क रहना, क्योंकि कभी भी ऑपरेटर्स अपने शेयर्स को ऑफलोड कर सकते हैं गाइस। और आज वैसा ही हुआ गाइस, आप देख सकते हैं आज शेयर में लोअर सर्किट लगा कंटिन्यू अपर सर्किट लगने के बाद। और हमने आपको कहा था कि ऑपरेटर मैनिपुलेटेड स्टॉक है गाइस। सो गाइस, आपके शेयर में ऐसा ही एक डंपिंग देखने को मिलेगा गाइस। ऑपरेटर्स जब उनका मन करेगा अपर सर्किट लगाएंगे और जब मन करेगा अपने शेयर्स को डंप करके अपना प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। सो गाइस, मेरी आपको यही राय रहेगी, आप इस शेयर से दूर रहिए। इस शेयर में रह के आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, आपको बस नुकसान झेलना पड़ेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर्स है वो अपना खेल खेल रहे हैं गाइस और रिटेल इन्वेस्टर्स को इस शेयर में ट्रैप कर रहे हैं गाइस। आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा कब ऑपरेटर्स शेयर्स को डंप करेंगे और कब शेयर को पंप करेंगे। तो गाइस, मेरी आपको यही राय रहेगी, आप इस शेयर से निकल जाइए। इस शेयर का ना ही कोई बॉटम है ना ही कोई टॉप है, यहाँ जो ऑपरेटर का मन करेगा वो करेगा। तो मैं आपको यही राय दूंगा गाइस, आप इस शेयर में मत रहिए, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर भी आने वाले टाइम में कुछ भी नहीं है गाइस। इसके फंडामेंटल्स बहुत वीक है गाइस कंपनी के, और हमने आपको कह दिया था गाइस ये ऑपरेटर मैनिपुलेटेड स्टॉक है गाइस। और गाइस, अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोई भी मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं मिलने वाले, सारा पैसा यहाँ ऑपरेटर्स कमाएगा, आप अपना कैपिटल को बस यहाँ वेस्ट करेंगे। तब तक आप इस शेयर में अपने कैपिटल को वेस्ट करेंगे जब तक आपके वहाँ 20-25 लाख शेयर खरीदने की कैपेसिटी नहीं है गाइस। तो मेरे आपको यही राय रहेगी गाइस, आप इस शेयर से दूर रहिए, और ऑपरेटर्स गेम से बचने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद गाइस।